हाँ भाई, सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे थायमस ग्रंथि के बारे में, और इसके बारे में कुछ बातें आपको बताई थी कि ये श्वास नली के पास में स्थित होती है। दूसरी बात बताई थी कि इसके द्वारा थायमोसिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तीसरी बात बताई थी कि इस ग्रंथि को लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर टी लिम्फोसाइट कोशिकाएँ जो होती हैं उनका परिपक्वन होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है कि ये जो टी लिम्फोस थाइमस ग्रंथि है, इस ग्रंथि के का जो आकार है बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में तो इसका आकार बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या उम्र बढ़ने के साथ साथ या आयु बढ़ने के साथ साथ कह रहा है कि इसका आकार छोटा होता जाता है, और वृद्धावस्था में तो यह केवल तंतु रूप में यानी तंतु के रूप में रहे या तंतु के समान सरल तंतु के समान इसकी संरचना दिखाई देती है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि थाइमस ग्रंथि जो है ये टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को जीवाणुओं एवं प्रतिजन जीवाणु तो आप सब जानते हो क्या होते हैं, लेकिन प्रतिजन भी क्या होते हैं, शरीर के लिए जो हानिकारक तत्व हैं या हानिकारक जो कारक हैं जो बाहर से गए हैं उनको नष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। और प्रेरित करने का काम यहाँ पे कौन करता है, यानी जीवाणुओं को या प्रतिजनों को नष्ट करने के लिए प्रेरित करने का काम किसको प्रेरित किया जाता है, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को प्रेरित किया जाता है। लेकिन ये प्रेरित करने का काम कौन करता है, ये करता है थाइमोसिन हार्मोन। बताया था कि इससे जो स्रावित हार्मोन उसका नाम क्या है, थाइमोसिन हार्मोन। ये थाइमोसिन हार्मोन जो है ये टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को जीवाणुओं एवं प्रतिजन आदि को नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि थाइमोसिन हार्मोन हो या हम कहते हैं कि थाइमस ग्रंथि हो, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है। क्यों, क्योंकि आज ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो WBC होती हैं, और अगर थाइमस ग्रंथि नहीं होगी या थाइमस ग्रंथि अल्प स्रावण में होगी या कमजोर स्थिति में होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं मैच्योर नहीं होंगी, और टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं मैच्योर नहीं होंगी तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो कह रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो टी लिम्फोसाइट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो थाइमस ग्रंथि क्या हो जाती है, कमजोर होती जाती है, हल्की होती जाती है, और इस स्थिति में हमारा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र भी आप देखते हो वृद्धावस्था में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षा क्या कहा जाता है, थाइमस ग्रंथि का नाम रूप दिया है प्रतिरक्षा का सींग। थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षा का सींग भी कहा जाता है, अर्थात ये प्रतिरक्षा को बढ़ाने का कार्य करती है। उसके बाद बात करें अपन थाइमोसिन हार्मोन के कार्य, और थाइमोसिन हार्मोन के कार्य हैं वही जो मैं बता चुका, क्या जैसे मान लीजिए भी बताया था आपको कि एक तो ये क्या करता है कि प्राणी की जो प्रतिरक्षा है या शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत बनाने का कार्य करता है, और इसके अलावा दूसरा कार्य इसका क्या है कि यह टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को परिपक्वन करने का कार्य भी करता है। ठीक है, इसके कार्य हो गए। अब अपन अगली ग्रंथि पढ़ेंगे, छोटी छोटी ग्रंथियां हैं और बस ज्यादा इसके बारे में है नहीं, नाम है इनका, इनके द्वारा स्रावित हार्मोन है, इनकी स्थिति है और हार्मोनों के कार्य है। अगली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। अगली अंतःस्रावी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि की यदि बात करें तो कहाँ स्थित होती है, कह रहा है कि पीनियल ग्रंथि जो होती है यह हमारे प्रमस्तिष्क गोलार्ध को, प्रमस्तिष्क गोलार्ध जब हमने इस प्रकार से मस्तिष्क की संरचना पढ़ी थी तो इसमें अपन ने देखा था ये जो भाग ये प्रमस्तिष्क है यहाँ पे एक विदर पाया जाता है जिसको दो भागों में बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। तो कह रहा है प्रमस्तिष्क गोलार्धों के पास
डाइनसिफिलान, डाइनसिफिलान क्या होता है, डाइन सिफिलान प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच डाइनसिफिलान की जो पृष्ठ सतह है, डाइनसिफिलान क्या होता है, डाइनसिफिलान को हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क पृष्ठ, और इसमें दो भाग होते हैं आपको ध्यान दो, तो एक तो होता है हाइपो थैलेमस और एक होता है थैलेमस, ठीक। तो कह रहे हैं कि जो डाइनसिफिलान अर्थात अग्र मस्तिष्क पृष्ठ है उसकी सतह से एक उभार निकलता है और उभार से एक तंतु के रूप में ये जुड़ी हुई है, कौन पिंजर के अंदर कहां स्थित होती है, पर मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क गोलार्धों के मध्य डाइनसिफिलान की पृष्ठ सतह से निकले हुए उभार से तंतु के रूप में या उभार से निकले तंतु के साथ जुड़ी हुई रहती है, ठीक, ये पिंजर ग्रंथि है। उसके बाद इस ग्रंथि का जो भार है हमारे शरीर में, ये ग्रंथि कितनी बड़ी होती है, कह रहा है कि ये ग्रंथि लगभग 150 मिलीग्राम यानी बहुत छोटी होती है, 150 मिलीग्राम की होती है। इसके अलावा इस ग्रंथि की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, वर्णीय एक्टोडर्म जो परत होती है, किससे, एक्टोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है या इसका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित जो हार्मोन है वो कौन सा है, मेलाटोनिन, पीनियल ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है। और कह रहा है कि ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये जैविक लैंगिक परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए ये जो पीनियल ग्रंथि है इसको एक नाम और दिया है लैंगिक जैविक ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है, लैंगिक जैविक घड़ी कहा जाता है। लैंगिक जैविक घड़ी का मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, SBC, SBC का मतलब क्यों भाई, SBC का मतलब, अरे ये गुजरों वाली SBC नहीं है जिसको आजकल एक नया वर्ग बना दिया गया है गुजरों का, SBC नहीं, अति पिछड़ा वर्ग ऐसे कुछ बोलते हैं, ध्यान नहीं पूरा नाम हिंदी क्या कहते हैं गुजरों की जो जाति बनाई है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब अलग है, यहाँ पे S का मतलब होता है सेक्सुअल, सेक्सुअल, बी का मतलब है बायोलॉजिकल, और क्लोक, ठीक। SBC का मतलब क्या है, सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लोक अर्थात सेक्सुअल लैंगिक जैविक घड़ी, यानी कि ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है या हम ये कहते हैं कि पीरियल जो ग्रंथि है, ये मनुष्य की या किसी भी व्यक्ति के जो लैंगिक लक्षणों का विकास है उस विकास से संबंधित होती है, यानी इस घड़ी की इस ग्रंथि की परिपक्वता पर या इस ग्रंथि से स्रावित जो हार्मोन्स हैं उनके आधार पर ही लैंगिक लक्षण जो है दिखाई देते हैं। जैसे कि आप बता रहा है कि जो लोग अंधे होते हैं अर्थात जो कम प्रकाश में रहते हैं, उससे पहले भाई एक बात सुन ले, जो मेलाटोनिन हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन क्या कह रहा है, ये जो हार्मोन है ये कम प्रकाश में अधिक स्रावित होता है, अधिक स्रावित होता है, जबकि तीव्र प्रकाश में
मेलेटोनिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, पीले ग्रंथि से। तो कह रहा है मेलेटोनिन हार्मोन कम प्रकाश में तो इसकी का स्रावण जो होता है वो ज्यादा होता है, जबकि प्रकाश की तीव्रता ज्यादा हो या तीव्र प्रकाश हो तो उस कंडीशन में इसका स्रावण जो है कम होता है। कह रहा है कि ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे कम प्रकाश वाले क्षेत्रों में रहते हैं, या हम कहते हैं कि जहाँ पे सॉरी तीव्र प्रकाश वाले क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं उनमें लैंगिक जो परिपक्व होता है वो समय से पूरी हो जाती है, जबकि इसके अलावा मंद प्रकाश या आप कहते हैं कि अंधकार वाले क्षेत्र में जो बच्चे रहते हैं उनमें भी लैंगिक परिपक्वता जो है वो समय से पहले देखी गई है, ऐसा अब तक देखने में आया है। दूसरी बात एक छोटी सी बताई है कि पीनियल ग्रंथि में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो होती है पीनियलोसाइट, पीनियलोसाइट्स, और एक होती है न्यूरोग्लियल कोशिका, न्यूरोग्लियल कोशिका। ठीक, उसके बाद अगले ग्रंथि आती है कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि, और अग्नाशय ग्रंथि के बारे में अपन अगले वीडियो में कर पड़े। ठीक है भाई, धन्यवाद।